आज हम हिंदी संगीत सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों आज हम अंक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अंक। तो बच्चों इससे पहले भी हमने अंक सीखे हैं ना, तो बोलो पहला अंक कौन सा है? पहला अंक है यह अंक एक। बोलो अंक एक। अंक एक के बाद आता है अंक दो। यह है अंक दो। और अंक दो के बाद आता है अंक तीन। अंक तीन। और अंक तीन के बाद आता है अंक चार। यह है अंक चार। अंक चार के बाद आता है अंक पांच। बोलो अंक पांच। और अंक पांच के बाद आता है अंक छ। यह है अंक छ। और अंक छ के बाद आता है अंक सात। यह है अंक सात। और अंक सात के बाद आता है अंक आठ। यह है अंक आठ। तो बच्चों इन प्रीवियस क्लास हमने अंक आठ सीखा है। अब आपको अंक एक से अंक आठ तक कैसे लिखते हैं वो आपने सीखा है ना आपने। तो आज हम अंक आठ के बाद कौन सा अंक आता है और वो कैसे लिखते हैं आज सीखने जाए। तो बच्चों अंक आठ के बाद जो अंक आता है वो है ए अंक नौ। बोलो अंक नौ। अंक नौ। तो बच्चों आज हम ए अंक नौ टू लाइन के नोट में कैसे लिखते हैं वो सीखने जाए। तो बच्चों ये देखो, ये हो गई आपकी टू लाइन की नोटबुक। जैसे ही हम सभी अंक इन टू लाइन के बीच में लिखते हैं वैसे ही हम आज अंक नौ इस टू लाइन के बीच में लिखते हैं। देखो क्या करना है, ऐसा एक गोल निकाला है और एक स्लांटिंग है। यह हो गया अंक नौ। देखो ए है अंक नौ, कैसे ऐसे गोल और स्लांट निकला है। सी इसमें डिफरेंस है, अगर आपने इसे उल्टा लिखा तो यह हो गया अंक एक और राइट की तरफ मुंह हो गया तो ए हो गया अंक नौ। लेफ्ट की तरफ मुंह हो गया तो अंक एक और राइट की तरफ मुंह हो गया तो अंक नौ। यह है अंक एक में और अंक नौ में फर्क। तो आज हमने कौन सा अंक सीखा है? अंक नौ। समझ में आया? और एक बार देखो गोल स्लांटिंग लाइन, जैसे ही हम एक लिखते हैं वैसे लेकिन उल्टा। समझ में आया? तो यह हो गया हमारा अंक नौ। तो बच्चों इधर देखो, मैंने इधर ब्लैक बोर्ड पर कुछ बॉल्स ड्रॉ किए क्या है ना। चलो अब हम इसे काउंट करते हैं। मेरे पीछे पीछे काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ। कितने बॉल्स है? नौ बॉल्स है। तो बच्चों इधर देखो, मेरे हाथ में कुछ चॉक्स भी है। क्या है? चॉक्स है। तो चलो गिनो कितने चॉक्स है। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और एक हो गया नौ। तो बच्चों आज हमने कौन सा अंक सीखा? आज हमने अंक नौ सीखा। तो जब हम सीक्वेंस लिखते हैं तब किधर लिखना है? इधर देखो, पहले कौन सा अंक आता है? अंक एक। इसके बाद अंक दो, अंक तीन, अंक चार, अंक पांच, अंक छ, अंक सात, अंक आठ और अंक आठ के नीचे अंक नौ आता है। समझ गए बच्चों? तो बच्चों आज आपको क्या करना है, आपके टू लाइन की नोटबुक में एक पेज पर पूरा अंक नौ ऐसे लिखना है और दूसरी पेज पर अंक एक से अंक नौ लिखना है। समझ में आया?